ताजमहल पर वीकेंड के दौरान हो रही पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए एसीपी अरीब अहमद ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। एसीपी अरीब अहमद ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा बलों को निर्देशित किया और पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस दौरान उन्होंने ताजमहल में प्रवेश और निकास मार्गों पर भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष इंतजाम किए। पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और ताजमहल पर पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर शनिवार की बात करें तो शनिवार को 50,000 से ज़्यादा पर्यटक ताज का दीदार करने आए थे और यह स्थिति आज भी देखने को मिल रही है। खुद आप देख सकते हैं कि आप टीवी स्क्रीन पर के एसीपी अरीब अहमद खुद कमाल संभाले हुए हैं और उसकी पूरी अगर बात की जाए तो पूरी तरह से देख रहे हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर जो पर्यटकों को ब्रीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जिस तरह से देखा जाए तो विदेशी पर्यटकों की भी यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो पुलिस है वो पूरी तरह से सहायता कर रही है, उनको गाइड कर रही है और देखी जा सकती है जिस तरह से अगर पूरी तरह से, हालांकि भीड़ है, पर्यटक की संख्या लगातार बढ़ रही है, पर्यटन सीजन शुरू हो गया है उसके चलते यहाँ पर लाइनें दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो कह सकते हैं कि जो एसीपी अरीब अहमद जी हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से कमाल संभाले हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो लाइन को यहाँ से कम जो कह सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर लाइन को अभी खत्म कराने के, जो पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो उसके चलते यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मोर्चा संभाले हुए हैं। सर हमारे साथ अरीब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर पर्यटन सीजन शुरू हो गया है, पुलिस किस तरह से पर्यटकों की सहायता कर रही है? देखिए लगभग 50,000 पर्यटक कल भी ताजमहल पर आए थे, आज भी अपेक्षा है कि इससे अधिक पर्यटक आएंगे। ताज सुरक्षा पुलिस की 4 QRTs यहाँ पर एक्टिव हैं जो क्राउड मैनेजमेंट का काम कर रही हैं ताकि जनता को असुविधा ना हो, लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सभी लाइनें कवर हों, साथ ही समय से टिकट ले लें, उन्हें लपकागिरी से ना जूझना पड़े, जो अवैध गतिविधियाँ हैं उन पर कंट्रोल रहे, इसके लिए लगातार हमारी ताज सुरक्षा पुलिस एक्टिव है। साथ ही कंट्रोल रूम से हम निगाह रख रहे हैं CCTV के माध्यम से और PA सिस्टम के माध्यम से सभी को अवेयर कर रहे हैं कि आएँ और ताजमहल पर एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएँ। सर आज इस तरह से काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, बाहर भी अगर जिस तरह से देखा जा रहा है तो उसको देखते हुए पुलिस किस तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है? जी देखिए क्राउड मैनेजमेंट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण वो है, दोनों अंदर की भीड़ को और बाहर की भीड़ को हम बैलेंस करते हैं इस पॉइंट पर। अगर अंदर भीड़ बढ़ती है तो यहाँ पर रोक कर थोड़ी देर लोगों को रोका जाता है, अंदर अगर कवर हो जाता है तो हम यहाँ से जल्दी बढ़ाते हैं। क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं, भीड़ चाहे 1,00,000 की आए यहाँ पर हर तरह की सुविधा यहाँ पर्यटकों के लिए उपलब्ध है, 1,00,000 तक की भीड़ को हम आराम से झेल सकते हैं। तो देखा कि यहाँ पर अरीब जो अहमद जी ACP अरीब अहमद जी हैं वो खुद कमाल संभाले हुए हैं और पर्यटकों को यहाँ पर बीप करते हुए देखे जा रहे हैं कि उनको जिस तरह से अगर पूरी तरह से देखा जा रहा है कि कल जिस तरह से अगर बताया जा रहा है 50,000 की और उनका कहा है कि 1,00,000 तक की जो भीड़ है वहाँ पर क्राउड है वो देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से पुलिस कह सकते हैं कि पर्यटकों की सहायता में यहाँ पर मौजूद नज़र आ रही है। अपने साथ इकबाल के साथ गोपाल शर्मा, CNews आगरा।